हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हेवन इन गार्डनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि आज मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी। रोज़ प्लांट है ये मेरा, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है रोज़ेस पर कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं अपने रोज़ प्लांट से, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि आप कैसे प्रूनिंग कर सकते हैं अपने रोज़ प्लांट की। बेस्ट टाइम क्या होता है वो मैं आज बताऊंगी। आप कब कब इसकी प्रूनिंग करें, कटिंग करें। वैसे मैं इसको साल में 3 बार इसकी कटिंग कर देती हूँ, और अभी फ़िलहाल मानसून आ गया है तो इससे बेस्ट टाइम और क्या होगा इसकी प्रूनिंग करने का, और कब कब करनी चाहिए वो सब मैं आपको वीडियो के एंड तक सब बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक टिप्स और क्या है कि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आप जितना रोज़ेस की ब्रांचेस को कट करते हैं तो उसके अंदर से और ब्रांचेस निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फ्लावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम कटिंग, ये मेरी बड़ी सी सीज़र के साथ। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ मेरा कटर मिल नहीं रहा है, आप लोग सीज़र से कट करिएगा नहीं, कट करेंगे तो सीज़र आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो वो जिस काम के लिए यूज़ होती है वो उस काम के लिए यूज़ नहीं हो पाएगी। आप कटर परचेज कर लें अगर आपके पास नहीं है तो, मेरा तो मिलता नहीं है, जब काम होता है तभी कुछ नहीं मिलता है। तो फिर भी चलिए देखते हैं ये कहाँ तक काट पाती है, फिर भी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। अच्छा, आप ये ब्रांच देख रहे हैं, ठीक है, नई ब्रांच है, ऐसा लग रहा है इसी विंटर में आई थी, नहीं, ठीक है। तो आपको इसको कहाँ से कट करना है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगी इस तरीके से, इसको ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं और ना ही इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं, ये आप मिडल में ले सकते हैं, ठीक है। मुझे जितना वेस्ट लगेगा मैं उतना निकाल दूँगी। ये ब्रांच देखिए, ये वाली ब्रांच देखिए, हाँ, यहाँ से मैंने इसको पहले से कट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ ताकि अब जो ब्रांच निकलेगी वो इसमें से, इधर से भी कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकती हूँ, तो मैं इधर से कट कर, सीज़र से यही प्रॉब्लम होती है, कट ही नहीं रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसकी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप अब देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट की कटिंग कर दी है, जितना जितना प्रून करना था वो मैंने सारा कर दिया है जितना मुझे लगा, ठीक है। कहीं कहीं पे सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, जो पतली पतली ब्रांचेस हैं उसको मैंने सॉफ्टली प्रून किया है, मतलब थोड़ा ही कट किया है, और जो मोटी हैं जैसे कि कहाँ गई, ये रही ये, इसको मैंने ज़्यादा प्रून किया है। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट को प्रून कर सकते हैं, इसको एक शेप दे दीजिए ताकि जब ये ग्रो हो तो एक ही शेप में बढ़े, ज़्यादा ब्रांचेस लंबी छोटी ना हो। और एक बेनिफिट और है इसका, कटिंग करने के बाद आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाती है, तो आपको तो पता ही है रोज़ को कलम से लगाते हैं, तो ये देखिए इसकी अच्छी से कटिंग कर लीजिए, जितने भी ये लीव्स है इसको हटा के, और इसको कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए, कोई भी आपको हार्मोनल पाउडर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको रेनी सीज़न में ऐसे ही ग्रो करेंगे, खाली मिट्टी में लगा दीजिए, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर में इसके अंदर से नई ब्रांचेज आने लग जाएंगी, तो रेनी सीज़न का यही बेनिफिट होता है। और हम बात कर रहे थे
कि बेस्ट टाइम क्या क्या हो सकता है प्रून करने का, तो उससे पहले मैं एक बात और कर लेती हूँ आपसे। मैंने ये छोड़ दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये मेरी, देखिए मेरा मेन प्लांट क्या है, तो मेरा ये मेन प्लांट है ये वाला, ठीक है, अगर आप देख पाएँ तो। और इसकी कलम हुई थी, मतलब अभी आप कोई भी प्लांट परचेज करें नर्सरी से, सारे आपको कलम किए हुए मिलते हैं, ठीक है, रोज़ को कलम से ही उगाया जाता है। पर कलम के अलावा अगर कोई प्लांट की ब्रांच नीचे से निकल रही है उसे जंगली कहा जाता है, अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो जंगली बोलते हैं उसको। और ऐसी ब्रांचेस की हमको ज़रूरत नहीं होती है, ये ब्रांच, और मैं इसको भी कट कर दूँगी। अगर ऐसी ब्रांचेस नीचे से निकलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि ये ब्रांचेस सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं, और ये ज़्यादा हेल्पफुल भी नहीं होती है, ये हमको फ्लावर्स भी नहीं देगी उतने अच्छे, ठीक है। और जब सारा न्यूट्रिशन ये ले लेगी तो मेन प्लांट के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है, तो वो भी प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, फ्लावर्स नहीं देता है अच्छे। तो आपको बस इतना करना है, आप ये जब भी देखें कि आपके प्लांट में से जंगली ऐसी ब्रांचेस निकल रही हैं उसको नीचे से कट कर दें, सिंपल। हाँ जी, एट लास्ट हमारे टिप्स रह गए हैं, जो मुझको आपको ये बताना है कि आप इसको कब कब प्रून कर सकते हैं। मैं इसको साल में 3 बार प्रून करती हूँ, जैसे एक तो अभी का टाइम है, रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न से पहले मैंने इसको प्रून कर दिया, अब मैं इसको विंटर में प्रून करूँगी, विंटर आने से पहले, ठीक है, और उसके बाद विंटर जाने के बाद प्रून करूँगी। तो जो विंटर जाने के बाद की प्रूनिंग होगी वो बहुत ही सॉफ्ट प्रूनिंग होगी, मतलब मैं मोटी मोटी ब्रांचेस नहीं कट करूँगी, मैं खाली ऊपर ऊपर से इसके हेड को कट करूँगी, यहाँ से इतने की, ठीक है। ये विंटर के बाद वाली प्रूनिंग होगी, जिसको बहुत, मतलब आप कह सकते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। और जो विंटर आने से पहले प्रूनिंग होगी वो हार्ड प्रूनिंग होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसको गंजा कर देती हूँ, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे, मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप देखेंगे उसमें कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं और वो कैसे आए हैं, मैं क्या क्या करती हूँ, उसमें सारे टिप्स हैं। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे जब जब मैं उसको अपलोड करूँ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय।